वेलकम स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए है जो बच्चों को एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन और बाइजेक्टिव फंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइजेज में आई हैं। अब उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए पहला जो डाउट आया है वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका डाउट है। देखिए, एक रिलेशन आर है, उसमें ए कोमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, सच दैट यानी कि इस तरीके से हैं कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज़ इवन, यानी कि ए माइनस बी का जो मॉडुलस है वो इवन है। ये एक रिलेशन दिया हुआ है और इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। फिर उसके बाद ये प्रूव करना है आपको कि 1, 3, 5 इस सेट के जो एलिमेंट हैं वो केवल इसी से रिलेटेड होंगे, 2, 4 के जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट से रिलेटेड होंगे 2, 4 से ही, और 1, 3, 5 यानी कि इस पहले वाले सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे वाले सेट से रिलेटेड नहीं होगा। तो डाउट ये आया है कि ऊपर का जो पार्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने का वो तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आ गया है, लेकिन इस पार्ट में प्रॉब्लम है कि आपको 1, 3, 5 के जो एलिमेंट्स हैं वो इसी से रिलेटेड कैसे होंगे। तो देखिए, 1, 3, 5 ये जो सेट आपको दिखाई दे रहा है इसमें सारे ऑड नंबर्स हैं। अब आपको पता है कि ऑड नंबर्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा कैसा निकल के आता है, इवन। जैसे मान लो आपने लिया ऑर्डर्ड पेयर 1, 3, तो अब आप देखेंगे 1, 3 के लिए 1 माइनस 3 का मॉडुलस अगर आप निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, -2 का मोड और सॉल्व होके निकल के आया 2, और ये कैसा है, इवन नंबर है। तो इस तरीके से आप कोई भी दो ऑड नंबर लेंगे और उनका मॉडुलस निकालेंगे डिफरेंस का तो वो कैसा निकल के आएगा, इवन। तो इसका मतलब 1, 3, 5 के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे यानी कि इसी सेट से रिलेटेड होंगे। अब बात करते हैं 2, 4 की। तो 2, 4 ये जो सेट है इस सेट के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन इन्हीं के साथ होगा क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं, और इवन नंबर्स के डिफरेंस का मॉडुलस भी आपस में कैसा होगा, इवन होगा। जैसे 2 का रिलेशन अगर 2 से ही देखें तो देखिए 2 माइनस 2 मॉडुलस लिया 0, ये कैसा है, इवन। या आपने लिया जैसे 2, 4 तो देखिए 2 माइनस 4 मॉडुलस कैसा आएगा, +2, वो भी कैसा हुआ, इवन। तो इसका मतलब कोई भी इवन नंबर्स का डिफरेंस जो है वो हमेशा कैसा आता है, इवन आता है, तो उसका मॉडुलस भी इवन रहेगा, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब आप इसको चेक करिए कि इसके एलिमेंट इस वाले सेट से रिलेटेड होंगे या नहीं। तो देखिए 1 का रिलेशन मान लो अगर आप 2 से चेक करें, देखिए 1, 2 तो 1 माइनस 2 मॉडुलस क्या आएगा, -1, और मॉडुलस लेंगे तो क्या आया, +1, ये कैसा आ गया, ऑड, इवन नहीं आया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 का 2 के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। इसी तरीके से 1 का 4 से भी नहीं होगा, 3 का 2 से भी नहीं होगा, या फिर हम ये भी कह सकते थे कि एक ऑड और एक इवन नंबर का डिफरेंस कभी भी इवन नहीं आता है। तो इसका मतलब 1, 3, 5 का कोई भी एलिमेंट 2, 4 के साथ रिलेटेड नहीं होगा। क्लियर है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8, इसको मैंने सॉल्व कर लिया है और मैं आपको इसको समझाता हूँ, समझिए। एफ कोई एक फंक्शन है और ए क्रॉस बी से इमेज बी क्रॉस ए में बन रही है, और इस तरीके से हैं कि एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, यानी कि ए कॉमा बी टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेज बन रही है बी कॉमा ए पर, यानी कि ए की इमेज बी पर बन रही होगी और बी की इमेज ए पर, इस टाइप से ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं इसमें। अब आपको इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना है। बाइजेक्टिव के लिए सबसे पहले इंजेक्टिविटी चेक करते हैं। तो देखिए इंजेक्टिविटी कहें या फिर 1, 1 कहें, एक ही बात है। तो 1, 1 कैसे चेक करेंगे, लेट a1, b1 एंड a2, b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b, यानी कि दो एलिमेंट हमने ले लिए डोमेन से। अगर ये दोनों एलिमेंट डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं
और इस तरीके से लिए हैं कि एफ ए वन कॉमा बी वन इज इक्वल टू एफ ए टू कॉमा बी टू, यानी कि ये दोनों इमेजेस इनकी कैसी हैं, इक्वल। अब सॉल्व होकर आना चाहिए कि ए वन कॉमा बी वन किसके बराबर होगा, ए टू कॉमा बी टू के, यानी कि वो एलिमेंट जो हमने माने हैं वो भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल। तो देखिए सॉल्व करते हैं, जब ये दोनों इक्वल हैं तो एफ ए वन कॉमा बी वन की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखिए डेफिनेशन स्टार्टिंग में दी हुई थी, एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई बी वन कॉमा ए वन इक्वल टू इसकी वैल्यू बी टू कॉमा ए टू। अब देखिए ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो कंपेरिजन करेंगे तो बी वन इज इक्वल टू क्या आ गया, बी टू, और ए वन इज इक्वल टू ए टू, यानी कि बी वन बी टू के बराबर है और ए वन ए टू के बराबर है। अब हम ये कह सकते हैं कि ए वन कॉमा बी वन इज इक्वल टू ए टू कॉमा बी टू, यानी कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल आ गए तो ये फंक्शन कैसा हो गया, इंजेक्टिव। अब देखते हैं ऑन टू, या इसको सर्जेक्टिविटी भी बोलते हैं। सर्जेक्टिविटी चेक करने के लिए देखिए, लेट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू कोडोमेन, यानी कि बी क्रॉस ए, हमने कोई दो एलिमेंट, एक एलिमेंट ले लिया कोडोमेन में से, बी कॉमा ए एक ऑर्डर्ड पेयर है जो बिलोंग कर रहा है कोडोमेन से। अब आप देखिए कि डेफिनेशन एफ की क्या दी हुई थी ऊपर, कि एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, यानी कि एफ ए कॉमा बी किसके बराबर होगा, बी कॉमा ए के बराबर होगा। तो आप देखिए कि ए कॉमा बी टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्री इमेजेस का इमेजेस कहाँ बनी हुई हैं, बी कॉमा ए पर, या ये कह सकते हैं कि बी कॉमा ए टाइप के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उन सब की प्री इमेजेस कहाँ होंगी, ए कॉमा बी पर, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर हमने माना है बी कॉमा ए कोडोमेन से, तो उन सब की प्री इमेज कहाँ होंगी, ए कॉमा बी पर। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एलिमेंट हैं बी कॉमा ए टाइप के उनकी सब की क्या होंगी, प्री इमेजेस डोमेन के अंदर होंगी। तो अगर सारे एलिमेंट की प्री इमेजेस प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू, सो इट इज ऑन टू, क्लियर है। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.2 का, लेट एफ सच दैट एन टू एन, यानी कि एफ कोई एक फंक्शन है, इमेजेस एन से एन बन रही हैं, डिफाइंड बाई एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 इफ एन इज ऑड एंड एन अपॉन टू इफ एन इज इवन, और एन क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो 1 1 है या नहीं, और ऑन टू है या फिर नहीं। चेक करते हैं सबसे पहले 1 1-ness इसकी, यानी कि इंजेक्टिविटी। अब आपको क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है कि अगर एन की वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2/2, यानी कि 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 टाइम। अगर एन की वैल्यू इवन यानी 2 ले लेते हैं अगर आप, तो 2 पुट करेंगे तो एफ टू इज इक्वल टू 2/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हुआ 1 टाइम, यानी कि एफ वन इज इक्वल टू भी 1 आया, एफ टू भी 1 आया, यानी कि एफ वन एफ टू इक्वल हो गए किसके, 1 के, यानी कि 1 की और 2 की दोनों की इमेज कहाँ बन रही है, 1 पर। तो इसका मतलब दो एलिमेंट की एक इमेज, तो ये 1 1 नहीं है, सो इट इज़ नॉट 1 1। अब सर्जेक्टिविटी यानी कि ऑन टू चेक करते हैं, तो ऑन टू के लिए आप देखिए, लेट वाई बिलोंग्स टू एन, यानी कि y एक एलिमेंट ले लिया हमने किसमें से, कोडोमेन में से, देखिए इसका कोडोमेन भी क्या है यहाँ पर, n है, तो कोडोमेन में से एलिमेंट लिया सच दैट इस तरीके से कि y इज इक्वल टू एफ एन, वाई जो है वो किसके इक्वल है, एफ एन के इक्वल। अब आप देखिए यहाँ पर दो केस बनेंगे, क्योंकि y की जो वैल्यू निकल के आएंगी वो दो निकल सकती हैं, या तो n प्लस 1/2 या फिर n अपॉन टू, क्योंकि y किसके इक्वल है, एफ एन के, और एफ एन की दो टाइप की वैल्यू दी हुई है। तो हमने फर्स्ट केस में ले लिया कि ये y जो है वो किसके इक्वल है, n प्लस 1/2 के, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व किया और n की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से 2y-1, और 2y-1 टाइप के जितने भी नंबर होंगे वो कैसे होंगे, ऑड, यानी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। अब साथ में हम क्रॉस चेकिंग और कर लेते हैं, डोमेन से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन साथ में हमने चेक किया तो पुट कर दी n की जो वैल्यू है वो fn में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n,
एफ एन इज इक्वल टू आ गया, एन की वैल्यू कितनी आई थी 2y-1, वो यहाँ पुट कर दी एन की जगह पर, तो ये हो गया। अब देखिए ये कैसा है, ऑड ऑड वाला केस लगेगा, यानी कि एन प्लस वन अपॉन टू, तो एन की वैल्यू 2y-1 प्लस वन अपॉन टू, वन से वन कैंसिल हुआ, टू से टू कट जाएगा वाई, यानी कि एफ एन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, वाई के बराबर, यानी कि क्रॉस चेक हो गया। अब सेकेंड केस में अगर वाई की वैल्यू एन अपॉन टू होती है तो क्या होगा, तो y इक्वल टू एन अपॉन टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो n आ गया 2y, 2y यानी कि इवन टाइप के नंबर्स होगा, यानी कि वो भी किससे बिलोंग करेंगे, n से, यानी कि डोमेन से। यानी अब हमने वैल्यू पुट की n की फिर दोबारा क्रॉस चेक करने के लिए, तो f n, n की वैल्यू 2y पुट की, तो f 2y इज इक्वल टू, अब देखिए इवन, इवन के लिए क्या होता है n अपॉन टू, यानी कि 2y अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या निकल के आई, वाई, यानी कि ये भी वैल्यू किसकी आ गई, एफ एन की वाई के इक्वल। तो अब हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही केस में डोमेन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब रेंज जो है वो किसके इक्वल हो गई, कोडोमेन के इक्वल हो गई। अब रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल है तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू, क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में, यहाँ तक जो डाउट्स पूछे गए थे वो क्लियर कर दिए हैं मैंने, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। थैंक यू।